देखिए भैया, अभी जो दुनिया पे महामारी का जो संकट आया है कोरोना का, ये सबके प्रयास से ही इस पे विजय पाई सकती है अपन। लॉकडाउन का पालन करके, और चूंकि ओंकारेश्वर नगरी का भोजन प्रसादी का विशेष महत्व है, और यहाँ लगभग लगभग परिवार की जीविका अर्जन करने का साधन जो है, कोई नाव चलाता है, कोई फूल बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई विभिन्न विभिन्न व्यवसाय, और आज ऐसी स्थिति बनी है कि सारे मंदिर, हमारा ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वो भी श्रद्धालु कोई आ नहीं रहा लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भोजन का संकट खड़ा है, और शिव शक्ति संगठन जैसे और जो संगठन यहाँ आश्रम जो भोजन व्यवस्थाएं दे रहे हैं, इसमें हम सब क्षेत्रवासियों का भी कर्तव्य हो जाता है कि अपने तन मन अपनी जितनी श्रद्धा उससे हमको सबको भिड़ के, और ये संकट को सामूहिक रूप से मारने का समय है। इसलिए आज हम भी, क्योंकि क्षेत्र अपना है, हम लोग भी सब आए हैं पूरी टीम। अभी आपके हिसाब से लॉकडाउन की क्या स्थिति, क्या बढ़ सकता है? अगर अभी जो समाचार माध्यमों से और स्वास्थ्य बुलेटिन से जो जानकारी आ रही, उससे तो ऐसा लग सकता है, लग रहा है कि ये 17 मई को भी कहीं आगे नहीं क्रॉस कर जाए। इसकी जवाबदारी है कि हम इसका पालन करें।